हेलो फ्रेंड्स, भारत के जनजाति प्रोग्राम में आपका स्वागत है। आइए देखते हैं गोंड जनजाति। गोंड मध्य प्रदेश की सबसे महत्वपूर्ण जनजाति है, जो प्राचीन काल के गोंड राजाओं को अपना वंशज मानती है। यह एक स्वतंत्र जनजाति थी जिसका अपना राज्य था एवं जिसके 52 गढ़ थे। मध्य भारत में 14वीं से 18वीं शताब्दी तक इसका राज्य रहा था। मुगल शासकों और मराठा शासकों ने इन पर आक्रमण कर इनके क्षेत्र पर अधिकार कर लिया और इन्हें घने जंगलों तथा पहाड़ी क्षेत्रों में शरण लेने को बाध्य किया गया। आइए देखते हैं इनकी आबादी। गोंडों की लगभग 60% आबादी मध्य प्रदेश में निवास करती है। शेष आबादी का अधिकांश भाग संकलन यानी आंध्र प्रदेश एवं उड़ीसा में बसा हुआ है। गोंड जनजाति की वर्तमान निवास स्थिति मध्य प्रदेश एवं छत्तीसगढ़ राज्य के पठारी भाग, जिसमें छिंदवाड़ा, बैतूल, सिवनी और मंडला के जिले सम्मिलित है। छत्तीसगढ़ राज्य के दक्षिणी दुर्गम क्षेत्र, जिसमें बस्तर जिला सम्मिलित है, इसके अंतर्गत आते हैं। इसके अतिरिक्त इनकी बिखरी हुई बस्तियां छत्तीसगढ़ राज्य, गोदावरी एवं बेनगंगा नदियों तथा पूर्वी घाट के बीच के पर्वतीय क्षेत्रों में एवं बालाघाट, बिलासपुर, दुर्ग, रायगढ़, रायसेन एवं खरगोन जिले में स्थित है। उड़ीसा के दक्षिण पश्चिमी भाग तथा आंध्र प्रदेश के पठारी भागों में यह जनजाति रहती है। आइए देखते हैं इनका निवास स्थल। गोंड जनजाति का निवास क्षेत्र 17.46 डिग्री से लेकर 23.22 डिग्री उत्तरी अक्षांश एवं 80 डिग्री तथा 83 डिग्री पूर्वी देशांतर के बीच स्थित है। आइए देखते हैं इनका शारीरिक गठन। गोंड जनजाति के लोग काले तथा गहरे भूरे रंग के होते हैं। उनका शरीर सुडोल होता है, किंतु अंग प्राय बेडोल होते हैं। बाल मोटे, गहरे और घुंघराले, सिर गोल, चेहरा अंडाकार, आंखें काली, नाक चपटी, होंठ मोटे, मुंह चौड़ा, नथुने फैले हुए, दाढ़ी एवं मूंछ पर बाल कम एवं कद 165 सेंटीमीटर होता है। गोंडों की स्त्रियां पुरुषों की तुलना में कद में छोटी होती हैं। शरीर सुसंगठित एवं सुंदर, रंग पुरुषों की अपेक्षा कुछ कम काला, होंठ मोटे, आंखें काली और बाल लंबे होते हैं। आइए देखते हैं इनका भोजन। गोंड अपने वातावरण द्वारा प्रस्तुत भोजन सामग्री एवं कृषि से प्राप्त वस्तुओं पर अधिक निर्भर रहते हैं। इनका मुख्य भोजन कोदो, ज्वार और कुटकी मोटे अनाज होते हैं, जिन्हें पानी में उबालकर झोल या राबड़ी अथवा दलिया के रूप में दिन में 3 बार खाया जाता है। रात्रि में चावल अधिक पसंद किए जाते हैं। कभी कभी कोदो और कुटकी के साथ सब्जी एवं दाल का भी प्रयोग किया जाता है। कोदो के आटे से रोटी भी बनाई जाती है। महुआ, टेंगू और चर के ताजे फल भी खाए जाते हैं। आम, जामुन, सीताफल और आंवला, अनेक प्रकार के कंदमूल एवं दालें व कभी कभी सब्जियां भी खाने के लिए काम में लाई जाती है। आइए देखते हैं इनकी वस्त्रभूषा। आरंभ में गोंड जनजाति के लोग या तो पूर्णतः नंगे रहते थे अथवा पत्तियों से अपने शरीर को ढक लेते थे। अब 3-4 दशकों से वे वस्त्रों का प्रयोग करने लगे हैं, किंतु वस्त्र कम ही होते हैं। अधिकांश पुरुष लंगोटी से अपने गुप्तांगों एवं जांगों को ढक लेते हैं। कभी कभी सिर में एक अंगोचे के प्रकार का कपड़ा भी बांध लेते हैं। कुछ लोग पेट और कमर ढकने के लिए अलग से पिछौनी लपेटते हैं। स्त्रियां धोती पहनती हैं, जिससे शरीर के ऊपर और नीचे का भाग ढक जाता है। ये चोली नहीं पहनती, छातियां खुली रहती हैं। सर्दियों में शरीर को ढकने के लिए ऊनी कंबल व मोटे टाट का कपड़ा काम में लाया जाता है। भारतीय जनजाति प्रोग्राम में आज के लिए इतना ही। धन्यवाद।